तो दोस्तों, अक्सर आपने नोटिस किया होगा, इंडिया में जो भी प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम डिले हो ही जाते हैं। और बस कुछ ही परसेंट में ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, लगभग आप कह सकते हो 3 से 4%, जो कि वक्त से पहले या फिर तय सीमा में कंप्लीट हो जाते हैं। और क्या आपको पता है कि ये डिले की वजह से हमें कितना नुकसान झेलना पड़ता है? 2021 में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के 450 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिले हो चुके हैं। इसके वजह से हमें 4.21 लाख करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सो अगर प्रैक्टिकली सोचे तो अगर ये सभी प्रोजेक्ट्स अपने तय सीमा में कंप्लीट हो जाते तो हम 4.28 लाख करोड़ रुपीस सेव कर लेते और इससे तो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के 4 कॉरिडोर हम बना लेते हमारे देश में। लेकिन इसी के बीच में एक काफी बड़ी बेहतरीन खबर निकल के आ रही है। दरअसल अब भारत अपना एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि 20 दिन में एक ब्रिज बनकर तैयार हो जाए? अब सुनने में ये काफी इम्पॉसिबल सा लगेगा, लेकिन भारत के वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कुछ इसी तरह का काम को एग्जीक्यूट कर रहा है। दरअसल वलसाड का एक काफी इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो कि वलसाड ईस्ट को वलसाड वेस्ट से कनेक्ट करता है, और इसे हम बिल्कुल भी ज्यादा दिनों तक बंद नहीं रख सकते क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और इसी सेक्शन में यहाँ पर अब ये ब्रिज बनाया जा रहा है। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें एटलीस्ट 100 दिन तो चाहिए ही, और वो भी अगर हम नॉन स्टॉप वर्क करते रहे तब जाकर 100 दिन तो लगते हैं। बट अब यहाँ पर भारत अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। यहाँ पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के चीफ जनरल मैनेजर श्याम सिंह जी ने कहा कि हम रिकॉर्ड टाइम ऑफ 20 दिन में इस पूरे स्पैन को कम्प्लीट कर लेंगे। अभी की फिलहाल की बात करें तो 75% वर्क ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है। इसी महीने के 2 जून में इसका काम शुरू हुआ था और 22 जून तक ये काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इसी कमिटमेंट की वजह से यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया था कि हाँ, एटलीस्ट 20 दिन तक तो हम यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक कर सकते, लेकिन 100 दिन तक ब्लॉक करना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर अथॉरिटीज ने डिसाइड किया था कि वो प्रीकास्ट इंस्टॉलेशन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। इसके लिए अब उन्होंने 4 हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक क्रेन्स मंगाई है जिनकी कैपेसिटी है 300 मेट्रिक टन से लेके 500 मेट्रिक टन की, और रिकॉर्ड टाइम पर हमारे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर कंस्ट्रक्शन का काम काफी तेजी से चल रहा है। यहाँ पर स्पीड और डिसीजन मेकिंग ये वन ऑफ द टू थिंग्स है जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी काम को जल्द से जल्द कम्प्लीट करने के लिए। अगर अथॉरिटीज जल्द से जल्द डिसीजन ले लेती है कोई भी टॉपिक पर तो डेफिनेटली यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से होगा। लेकिन अगर वही सेम अथॉरिटी डिसीजन ले ही नहीं पाती है तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स तो साल दर साल या फिर यू कहे डिकेड्स तक रखड़ जाते हैं। वैसे इसके पहले आपको याद होगा कि 2018 में यहाँ पर इंडियन आर्मी ने एक फुट ओवर ब्रिज बिल्ड किया था एल्फिस्टन रोड रेलवे स्टेशन और परेल स्टेशन के बीच में। रिकॉर्ड टाइम ऑफ 170 डेज में इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करके कम्प्लीट कर दिया। वैसे इंडिया के भीतर अब ये जो न्यू रिकॉर्ड बनने जा रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है जरूर से कमेंट कीजिएगा।